प्रेसवार्ता में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय हेमराज मीणा जी, माननीय प्रमोद जी, अंकित चर्ची जी, रक्षा भंडारी जी, पुण्यलाल भड़ाना जी, सभी मीडिया के मित्रों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की देवतुल्य जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद दिया। उसी की बदौलत आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक लंबे अरसे तक विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के प्रधान सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। भैया आप देखिए कि अंतर इस बात का कि एक समय सरकार थी जब अपने कालखंड के अंतिम दिनों में काम करना शुरू किया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने संकल्प पत्र की गारंटी थी, उस गारंटी को एक माह भी नहीं बीता और उन्होंने लगातार प्रदेश के हित के लिए, विकसित राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान, इस दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाते हुए